हाय गाइस, इट्स माय बर्थडे। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। तो वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक बर्थडे ग्लो अप / पैम्पर सेशन होने वाला है। तो आज है मेरा बर्थडे और मैंने ये कुछ स्टेप्स, 3-4 स्टेप्स कल फॉलो किए थे, जो मैं जनरली फॉलो करती हूँ बिफोर माय बर्थडे या अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो। लेट मी टेल यू कि इस वीडियो में होने वाले हैं कुछ 3-4 स्टेप्स जो बहुत ज्यादा हाई फाई टाइप नहीं है, काफी बेसिक है, जो कोई भी कर सकता है। तो ये इंक्लूड करेगा हेयर पैम्परिंग, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मैंने घर पे कैसे हेयर स्पा दिया खुद को। नेक्स्ट, इट विल इंक्लूड बॉडी ग्रूमिंग। थर्ड चीज है फेस मास्किंग, बहुत ही सिंपल फेस मास्क बट इफेक्टिव। आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। और फोर्थ चीज होने वाली है नेल सेशन। तो वीडियो को स्टार्ट होने के पहले मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा बर्थडे गिफ्ट यही होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई गारंटी यू कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाती रहूंगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मिलती हूँ अब मैं उजड़े हालात में। गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ हेयर स्पा के लिए। आप देख सकते हो मैंने अपने बालों को डैम्प कर लिया है पानी से और मैंने ब्रिटल पार्ट कर लिया है ताकि अच्छे से मैं पूरा क्रीम लगा सकूँ अपने बालों में। और आज मैं यूज करने वाली हूँ शॉर्ट स्कॉफ का हेयर स्पा एसेंस। दिस इज देयर एनरिचिंग क्रीम मास्क। आप भी इसे इजिली मंगा सकते हो ऑनलाइन। मैंने इसे किया था ऑर्डर नायका से। तो इसको मैंने निकाल लिया है एक बोल में, ग्लास बोल में। आप हमेशा ग्लास या प्लास्टिक का यूज करें, वरना मेटल के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। तो मैंने अराउंड 2 स्पून क्रीम निकाल लिया है इस बोल में। अब मैं पार्टीशन करने वाली हूँ अपने बालों को 4 हिस्सों में। आप घर पे इजिली कोई भी क्लचअप वगैरह यूज करके पीछे कर सकते हो बालों को। तो अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा क्रीम अपने हाथों में और मैं इसे अपने बाल में लगाने वाली हूँ ताकि अच्छे से हर एक स्ट्रैंड में पूरा क्रीम लग जाए। आपको ऐसे ही हैंड मोशंस यूज़ करने हैं ताकि प्रोडक्ट इजीली इमल्सिफाई हो सके। और सेम प्रोसीजर को फॉलो कीजिए ऑन योर एंटायर हेयर लेंथ एंड स्कैल्प। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने पूरे अपने बालों में अच्छे से हेयर स्पा लगा लिया है, अपने स्कैल्प पे भी। आई नो चम्पू लग रही हूँ बट लेट्स जस्ट लीव दैट। अब हमें अपने बालों को बन बनाना है और स्टीम देना है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप एक टॉवल को गर्म पानी में निचोड़ के पूरा बांध सकते हो टॉवल को, ताकि वो स्टीमर का काम करे। मेरे पास स्टीमर है तो मैं वो यूज़ करने वाली हूँ। आई थिंक कोरोना के बाद सबके घर में स्टीमर होगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ। सो माई स्टीमर इज़ रेडी। आप देख सकते हो इसमें से अच्छा खासा स्टीम निकल रहा है। तो मैं अपने बालों को स्टीम देने वाली हूँ फॉर अराउंड 8 to 10 minutes। आप 15 मिनट तक भी दे सकते हो, पर मैं 8-10 मिनट देने वाली हूँ। और इसके बाद आप आधा घंटा या 45 मिनट रख के आप धो सकते हो अपने बाल। तो मैं अब सीधा मिलूँगी आपको बाल धोकर। सो गाइज, आई एम चेकिंग इन आफ्टर सम टाइम। मैंने शैम्पू कर लिया था और मैंने अपने बालों को एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि हेयर स्पा के बाद कोई हीट ना लगाएं तभी अच्छा होता है। वैसे मेरे बाल काफ़ी ड्राई और फ्रिजी हैं, पर मुझे थोड़ी सी एक शाइन लग रही है अपने बालों में और मेरे बाल काफ़ी मैनेजेबल हो गए हैं। और यहाँ से तो काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, मुझे फील हो रहा है। तो हमने हेड और हेयर का तो अपना ध्यान दे दिया है, अब चलते हैं फेस की तरफ। तो मुझे लगता है थ्रेडिंग और अपर लिप्स, सिर्फ थ्रेडिंग और अपर लिप्स कराने से फेस पे एक मेजर डिफरेंस दिखने लगता है। अगर आप इसे घर पर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, पर मैं चलती हूँ सैलून। चलिए चलते हैं। तो इस बार मैं गई थी गीतांजलि सैलून। बनारस वाले लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये अर्दली बाज़ार वाली ब्रांच थी उनकी। एंड लेट मी जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट दिस सैलून लुक्स लाइक। आप देख सकते हो फेस इंस्टेंटली काफ़ी क्लीन लगने लगता है। इसके बाद मैं गई वैक्सिंग करवाने के लिए। इसे और अफोर्डेबल बनाने के लिए आप घर पर ही कर सकते हो यूजिंग वैक्स स्ट्रिप्स या शेविंग, जो भी आप प्रेफर करो। हाय वंस अगेन, मैं आ गई थी सैलून से। अच्छा, बाय द वे, अगर आपको एसी और पंखे की आवाज़ आ रही है सो आई एम रियली सॉरी बट आई कांट हेल्प इट। पंखा बंद करते ही मुझे ऐसे स्वेट ड्रिप करने लगता है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
और आते हैं फेस की तरफ, तो हमारा थ्रेडिंग वगैरह हो गया है और अब चलते हैं फेस पैक की तरफ। ये फेस पैक मैं काफ़ी छोटी थी तब से यूज़ करती आ रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनता है और ये इंग्रेडिएंट्स आपके घर में हमेशा ही रहेंगे, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ दैट। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे फेस पैक बनाती हूँ। यहाँ मैं ले रही हूँ बेसन, अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ दही एंड 1 पिंच टर्मरिक का, आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हो। तो हमारा फेस पैक हो चुका है रेडी, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। बाल को थोड़ा पीछे करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग द फेस पैक। तो मेरा फेस पैक लग चुका है, इसे मैं रखूंगी फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स, जिसके बाद मैं फेस वॉश कर दूंगी अच्छे से। बाय द टाइम मैं जनरली एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाती हूँ, ग्रीन टी भी आप उसे कह सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वो डिटॉक्स ड्रिंक कैसे बनाती हूँ। मैंने लिया है अराउंड 2 कप पानी, पानी जैसे ही बॉयल होने लगे मैंने ऐड किया है ग्रीन टी, थोड़ा सिनेमन पाउडर, सम फेनल सीड्स जिनको सौंफ भी कहते हैं, और थोड़ा सा अदरक। इसे मैं 10 से 12 मिनट पकने देती हूँ एंड डिटॉक्स ड्रिंक विल बी रेडी। तो हमारा डिटॉक्स ड्रिंक बन चुका है और फेस पैक को भी अराउंड 15 मिनट्स हो गए हैं, तो 2-3 मिनट बाद मैं फेस वॉश करके मिलती हूँ तुरंत आपसे। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है अच्छे से और मैं कोई एक्सटर्नल लाइट नहीं यूज़ कर रही हूँ, फिर भी आप देख सकते हो एक अलग सा ग्लो आ गया है फेस पे। तो आप ज़रूर इस फेस पैक को ट्राई करिएगा, घर की चीज़ें हैं, नेचुरल रेमेडीज़ हैं, कोई कुछ ख़राब नहीं होने वाला, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फेस पैक कैसा लगा। तो हमारा फेस का पार्ट हो चुका है एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेल्स पार्ट। मैं कभी कोई नेल एक्सटेंशंस वगैरह नहीं लगाती हूँ, दीज आर माई नेचुरल नेल्स। तो चलिए चलते हैं, सिंपल सा नेल पेंट लगाते हैं। और मैं यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी, इफ़ यू वांट टू लुक रिच एंड एक्सपेंसिव सो ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ न्यूड नेल पेंट, बिकॉज आजकल सबको ही पता है न्यूड का बहुत फैशन है, इट लुक्स रियली सटल और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं न्यूड नेल पेंट्स। तो चलिए चलते हैं, मैं भी पहले चूज़ करती हूँ कि मैं कौन सा नेल पेंट लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो मैंने चूज़ किया ये लैक्मे का ट्रू वेयर नेल कलर, दिस इज़ इन द शेड नंबर 5 to 5। तो गाइज हाथ पर तो मैंने नेल पेंट लगा लिया है, आई वेंट फॉर दिस ब्राउन कलर, आजकल ब्राउन काफी ट्रेंडी चल रहा है, स्पेशल ओकेजन्स पर हाथ पर इतना ध्यान दे रहे हैं तो पैर पे भी जरूर देना चाहिए। लेट्स अप्लाई सम नेल पेंट ऑन आवर फीट एज वेल। तो आपने देखा कि मैंने अपने हैंड्स और फीट पर नेल पेंट अच्छे से लगा लिया है एंड आई हैव टाइड माई हेयर अप इन अ बन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या हालत क्या है, यहाँ तो भाई रिकॉर्ड्स तोड़ रही है गर्मी। तो अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड पार्ट में, जहाँ पर हमारा पूरा पैम्परिंग / ग्लो अप सेशन ख़त्म होता है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को एक खुशबूदार नोट पर, मैं यूज़ कर रही हूँ ज़ारा रोज़ परफ्यूम, आई लव परफ्यूम्स। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये पैम्परिंग सेशन कैसा लगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टैप द बेल आइकन, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। गाइज यू आर माई स्ट्रेंथ, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई वुड रियली लाइक इट। और अब तो मेरा बर्थडे गिफ्ट देने का टाइम आ गया है, मेरा बर्थडे गिफ्ट मुझे यही चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, बाय बाय।